अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ हरी मिर्च की सालन वाली रेसिपी, जिसके लिए मैं 100 ग्राम हरी मिर्च धुल के रख लिए हैं। ये इमली है, ये कुछ स्पाइसेज हैं, 2 टीस्पून नारियल है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक है। ये तड़का के लिए 1/2 टीस्पून से कम जीरा है, ये सौंफ है, हींग है, सूखा मिर्च, सरसों। अब मैं सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल ले ली, 1 कप ऑयल है, इस कप से 1 कप ऑयल लिए हैं। देखिए ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। इसे थोड़ा सॉटे कर ले, देखिए हो गया, अब मैं इसमें मिर्च डाल दूंगी। अब मैं इसे 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही इसे ऐसे फ्राई होने के लिए रहने दूंगी, और इसे आप ढक लीजिएगा, चीरा नहीं लगाया है, ये फट सकता है। देखिए मिर्चे में मैं बीच में कट नहीं लगाई थी, इसीलिए मैं ढक के हाई फ्लेम पे ही इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ये अच्छा से फ्राई हो गया, अब मैं इसमें ये मसाले ऐड कर दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से इसे मिक्स कर लिए। अब इसे लो फ्लेम पे ही थोड़ा भून लेंगे, इसी में ये इमली भी ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। देखिए मसाले के साथ मैं अच्छे से मिर्च को मैं पका ली। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। ये बिल्कुल तैयार है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है।